सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ मतदान कर वापस लौट रहे हैं। तो आज आपने वोट पर चोट की है, क्या रहा? पूरे बहुमत से हम उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है, टेलर है और 24 बाकी है, यही शुरुआत हम लोग कर देंगे। और अपने जनपद में भी है, भारी बहुमत से जीत के आते हैं। और पहले मतदान फिर जलपान, वो भी हम लाइन में लग के 7 बजे से अपने पूरे परिवार साथ में आए थे और वोट डाल के जा रहे हैं। विपक्षियों की जो मंशा है, क्या वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे इस शहर में, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि उनको सुपड़ा साफ हो चुका उत्तर प्रदेश में और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि गुंडा राज नहीं, यहाँ की सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, जनता का जो विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल से बनी है और 6 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब पार्टियों ने बौखलाए हुए हैं और उनको विकास जनता का देखना नहीं चाह रहा, तो जो भी है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 24 में लहराएगी, हम तो टेलर भी दे दिया है कि 24 में यह सब शुरुआत टेलर है और 24 में भारी बहुमत से फिर सरकार बनेगी और यह भी अपना जो उत्तर प्रदेश भारी बहुमत से हम लोग जीत जाएंगे, भारी बहुमत से जीत कर आएंगे, ये कहना है नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का। सिवल की सरकार, सिवल इंजन की सरकार बनी थी और इसी से हमारा विकास होगा और इसी से विकास से जो होगा तो जनता भी मैसेज जाएगा। आपने वोट डाला, क्या सोच के डाला? जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, जैसे हम लोग आज भी भाजपा के में साथ में चल रहे हैं, वैसे ही आगे भी चलना चाहते हैं और सभी को चलाना चाहते हैं। क्या नाम है? अनीता राठौर। तो देखिए, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जो स्कूटर मिस्त्री से मंत्री बने हैं और उनकी धर्मपत्नी अनीता राठौर, उनके बच्चे, सारे लोग वोट कर अब घर लौट रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के उद्देश्य से आज सभी ने वोट किया है। और फिलहाल अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट का उत्साह किस तरह है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस नारे के साथ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु अपने सब परिवार पहुंचे थे वोट डालने के लिए। ये सीतापुर का प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुरवा है और यहाँ पर मतदान कर वापस लौट रहे हैं। सीतापुर से खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।